हेलो बच्चा लोगो, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, हम आज 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं दोस्तों। तो तालियों के साथ लेक्चर का स्टार्टिंग करेंगे। आप देख सकते हो केमिस्ट्री पोर्शन चल रहा है फिजिक्स में, है ना? केमिस्ट्री पोर्शन चल रहा है फिजिक्स में। नॉट टू वरी दोस्त, नॉट टू वरी। रिसर्च, इसका इलाज है रिसर्च। रिसर्च करो और बच्चों को तगड़ा सिखाओ, ठीक है? चलो आ जाओ दोस्तों। हमने लास्ट लेक्चर में देखा, वो सीरियलों में नहीं आता है, आपने लास्ट एपिसोड में देखा। जूम 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 रिकैप करवा देते हैं और फिर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट दी मेन थिंग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दोस्तों, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोस्तों, आप कुछ घुमा रहे हो, लेक्चर 6 तगड़ा बना है दोस्तों, 40 to 45 मिनट का है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी उसके सवाल करवाए हैं, वो डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, फंडा फोकस, बहुत अच्छा वीडियो बना था, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C और S दोस्तों, क्या था, क्या था हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई सर, ये पानी है, सपोज इट इज 1 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मान लो 50 है तो 51 करना है, 50 है तो 51 करना है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मुझे उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो दोस्तों मुझे उसको, उस पानी को 4.2 जूल एनर्जी देना पड़ेगा। ये हमारा लास्ट टाइम बात हुआ था, लास्ट टाइम बात हुआ था। किसी को तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं वाटर का। तो देखिए दोस्तों, हीट रिक्वायर, यही तो था, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बॉडी ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ओके। चलो दोस्तों, तो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसी को उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बोल हाँ या ना, क्लियर बात हो तो ही आगे बढ़ना दोस्त, वरना ना बोल दे तो, है ना? हाँ, रट्टा पट्टी नहीं चलेगी यहाँ पे, समझने वाली बात होगी तो ही मजा आएगी दोस्तों। ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। वाटर के बारे में समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं ले जा रहा हूँ आपको, कहीं पर ले जा रहा हूँ, कहीं पर ले जा रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये हमारी बात हुई थी। अब दोस्तों क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया वाटर का, ठीक है, ओके। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, उसी का काम है, अभी 2 मिनट रुक जाना दोस्त। तो उन्होंने देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर का कुछ ग्राफ ऐसा मिला, कुछ ऐसा मिला, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू लिखा हुआ था कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हाँ, जैसे जूल है ना दोस्तों, वैसे ही हीट का एक और यूनिट है कैलोरी दोस्तों, उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा लेक्चर का नाम है, टॉपिक का नाम है, व्हाट इज कैलोरी, व्हाट इज कैलोरी, व्हाट इज कैलोरी सर, ओके। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है कैलोरी, चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर का कुछ ऐसा रिलेशन था, लेकिन क्या देखा गया जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कुछ वैल्यू लिखा हुआ है 0.2, 0.6, ऐसा कुछ समथिंग, 0.8, 1, फिर वही 1.003, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। अब क्या देख रहे थे दोस्तों, पता है, उन्होंने 1 ग्राम वाटर लिया, 1 ग्राम वाटर लिया, 1 ग्राम वाटर लिया और उसका टेम्परेचर, जब, ध्यान से सुना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं,
और उस पानी का टेम्परेचर जब बढ़ाना शुरू किया, चलो जीरो से बढ़ाना स्टार्ट किया, जीरो से वन, वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट इंक्रीज किया, तो कुछ हीट दिया, ठीक है सर, वन डिग्री से दो डिग्री पर जाना था, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वन ग्राम वाटर लिया उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वन डिग्री से टू डिग्री जाना था तो कुछ हीट रिक्वायर्ड हुआ। ऐसा ही दोस्तों 13 से 14 डिग्री सेल्सियस पे जाना था, वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट हुआ तो उसमें कुछ हीट चाहिए था, ठीक है सर। लेकिन क्या देखा एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कि जब 14.5 से 15.5, भाई 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 क्या बात है सर, जब टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, मतलब हुआ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट, हाँ या ना बोल दे, जब 14.5 से लेके 15.5 तक क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, तो उस समय दोस्तों वाटर का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू मिल रहा था कुछ अप्रोक्स ही जा रहा हूँ मैं, इतना गैप आपको समझाया लेने के लिए हूँ दोस्तों, आपको पता चले इसलिए, जुपाक दोस्तों। तो 14.5 से 15.5 के बीच में जो हीट रिक्वायर्ड था वो कितना मिल रहा था, 1 कैलोरी दोस्तों, 1 कैलोरी। क्या बात है सर, क्या बात है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना मिल रहा था, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड था जब 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो दोस्तों इसीलिए लिखा गया ना, 1 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों, डन है। तो अब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलिए, चलिए फटाफट, 1 कैलोरी इज रिक्वायर्ड 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आ गया वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए दोस्तों वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना मिला, 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। इसीलिए दोस्तों आपकी बुक में जब कैलोरी का डेफिनेशन लेते हैं तो 14.5 से 15.5 का ही इसमें इंट्रोडक्शन क्यों दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन क्यों दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। इसीलिए दोस्तों हर एक 1 डिग्री सेल्सियस पे, हर एक इंक्रीमेंट 1 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीज के लिए दोस्तों 1 कैलोरी नहीं होता है हीट, स्पेसिफिक कौन सा है, 14.5 टू 15.5, ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। हाँ तो आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे 4.2 जूल है और यहाँ पे 1 कैलोरी है, सो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, यहाँ दोस्तों आप ऐसा भी 4.186 जूल ऐसा भी लिख सकते हो, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू, कैलोरी यूनिट है हीट का तो जूल भी यूनिट है हीट का। अब मुझे दोस्तों एक क्वेश्चन समझा दो यार, ये जूल को 1 कैलोरी को मैं अप्रोक्स 4 जूल क्यों नहीं लिख सकता, बोलिए, चलिए मान जाऊं दोस्त आज, क्या बात है बोलो, क्यों नहीं लिख सकता, नॉट पॉसिबल, क्यों, कोई बताएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख, चल फिर तू मैं जो आंसर देने वाला हूं क्या उसे मैच कर रहा, तेरा आंसर दे। अब क्या हो रहा है, 1 कैलोरी मतलब यहां पे आ गया वैल्यू 4.186 जूल, ऑब्वियसली यही बात है, हाँ ठीक है सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186, जूल की बात करूं तो यहां पे 4.186 तो थोड़ा सा नीचे 4, थोड़ा सा नीचे 3.5 ऐसा कुछ होगा,
जूल की बात करूँ तो, जूल की बात करूँ तो 1 कैलोरी पे 4.186 मतलब 4.2 जूल मिल रहा है, तो उससे नीचे 4 होगा, उससे नीचे 3.5 जूल होगा, उससे नीचे 3 जूल होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो रहा है, मैं यदि 4.2 जूल को 4 जूल लेता हूँ तो देखो सर टेम्परेचर का लोचा हो जाता है, टेम्परेचर 14.5 से 15.5 नहीं रह पाता है, मतलब कि फिर 1 कैलोरी वैल्यू नहीं रह पाता है दोस्तों। इसलिए 1 कैलोरी को आप 4 जूल नहीं लिख सकते हो, 4.2 जूल ही लिखना पड़ेगा आपको। थोड़ा भी फर्क पड़ा ना, थोड़ा भी, मैं थोड़ा सा भी नीचे आऊँ ना दोस्तों, तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है, और हमारी बात तो क्या हुई थी 14.5 से 15.5 दोस्त, है ना। 1 कैलोरी का डेफिनेशन फिर चला जाएगा, 1 कैलोरी का डेफिनेशन माइंड में नहीं आएगा दोस्तों। बोलो क्लियर है, हाउ इज दैट डन 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 डन। चल ठीक है, तेरे लिए अच्छा सा नोट्स बनाया है मैंने। अब मेन इश्यू क्या था दोस्त, मेन इश्यू ये था, सुनना एक बार। तो मैं क्या कैलोरी का डेफिनेशन आपको लिखना हो, 1 कैलोरी इज व्हाट इज कैलोरी, तो आप क्या लिख पाओगे दोस्तों, ये कैसा रहा, सही बोलना, आइडिया कैसा था, गजब था ना दोस्त। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके लिए लाइक बनता है यार, चला जा। 1 कैलोरी क्या होता है दोस्तों, तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम वाटर, यूनिट मास वाटर इज कॉल्ड 1 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी क्या होता है दोस्तों, तो देखिए हीट सेम है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फॉर दिस ऑफ 1 kg मास, 1 kg वाटर होगा तो 1 किलो कैलोरी चाहिएगा, 1 kg वाटर होगा तो किलो कैलोरी, लिख ले 1 kg वाटर होगा तो किलो कैलोरी दोस्तों, तो किलो कैलोरी। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है दोस्तों, ओके। तो फाइनली वाटर का स्पेसिफिक हीट ये होता है, देख लेना। अच्छा, एक ग्राम को हटाना और किलोग्राम करना है, तो दोस्तों आराम से, कोई उतावल नहीं है हमको, यहाँ पे लिखता हूँ 4.2 जूल, ग्राम हटाऊंगा किलोग्राम लिखूंगा तो 10^-3 ऊपर जाएगा तो +3 आ गया जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये 4.2 हटेगा, जुब 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 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। आप ये भी लिख सकते हो, बोल हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, पूरा थॉट क्लियर हो रहा है ना, एक बार स्क्रीन शॉट ले चल। चलिए दोस्तों, तो कैलोरी का पूरा डिस्कशन खत्म है, कैलोरी का पूरा डिस्कशन खत्म है। तो 1 कैलोरी कब होता है, जब 14.5 से 15.5 जाते हैं टेम्परेचर में। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, अब एक अच्छा सा नया टॉपिक है, कैलोरी मैट्री। ओहो सर, नाम से पता चल रहा है कैलोरी, और ये ग्रीक वर्ड है मैट्री, मैट्री मतलब मेजरमेंट, कैलोरी मतलब काइंड ऑफ हीट, तो हीट को मेजर करना मतलब कि कैलोरी मैट्री, अ स्टडी अबाउट द हीट मेजरमेंट कैलोरी मैट्री। और दोस्तों उसके लिए कैलोरी मैट्री, कैलोरी को मेजर करने के लिए एक पूरा मस्त मजे का एकदम बोलते हैं ना कि वेसल बनाया होता है पूरा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैलोरी मैट्री और कैलोरी मीटर क्या होता है दोस्तों। कैलोरी मीटर दोस्तों, कैलोरी मीटर एक ऐसा साधन है, इसमें ये रहा, हाँ आप साथ साथ में ड्राइंग कर सकते हो, एक बाहर का वुडन का आउटर वेसल है, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर एक और वेसल रखा जाता है, ठीक है सर, ठीक है कोई भी ये वेसल है, वो कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का वेसल हो सकता है, इनर वेसल, ठीक है ओके सर। इसके ऊपर ऐसा कुछ लगाया होता है, हाँ दोस्तों ये ऊपर जो लगाया हुआ है लीड बोलते हैं उसको, लीड, हाँ
ये भी दोस्तों आइसोलेटेड लीड है। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड लीड का मतलब क्या दोस्तों, इसमें से हीट बाहर नहीं जाएगा। मैं पूरा समझा रहा हूँ, शांति रखना। अब दोस्तों अब सुनिएगा, अब यहाँ पे अंदर सब कामकाज होता है, जो भी कामकाज होता है वो यहाँ पे अंदर होता है, यहाँ पे टंगड़ंग 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 टंगड़ंग, ठीक है। अब सीन क्या है, ये कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर है, उसका सीन क्या है देखना सुनना। बाहर का जो वेसल है वो दोस्तों वुडन का है। वुडन का क्यों रखा है दोस्तों, क्योंकि वो हीट को बाहर ना जाने दे। ये भी दोस्तों, ये जो वेसल है, ये वेसल, ये भी हीट को बाहर नहीं जाने देगा, हीट को बाहर नहीं जाने देगा। और ये भी है, वो हीट को बाहर नहीं जाने देगा। ये भी आइसोलेटेड है, ठीक है, पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है। मतलब कि, और ये जो ये ना दोस्तों, ये रिंग लगी हुई है, दोनों तरफ रिंग लगी हुई है, ये रहा। तो कामकाज होगा ना, वो इतने में ही होगा, जुम 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 जुम, बस इतने में कामकाज होने वाला है, इतने में कामकाज होने वाला है। इसी में हम सब कुछ हीट का मेजरमेंट करेंगे, कैलोरी का मेजरमेंट करेंगे, इतने पोर्शन में दोस्तों। अच्छा, कभी कभी क्या होता है सर, ये बीच में ये गैप में क्या है, गैप में एयर भी होता है, हाँ एयर भी हीट को पास नहीं होने देता मैक्सिमम। और दूसरा मान लो यहाँ पे आपको अंदर एयर नहीं रखना है, तो दूसरे दोस्तों आप कुछ भी नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा कुछ भी मटेरियल आप रख सकते हो। तो ये है कैलोरी मीटर दोस्तों। कैलोरी मीटर किस बेस पे काम करता है, तो सिंपल है दोस्तों, सिंपल है। एक नॉर्मल बात बोलता हूं मैं, एक अंदर ही है, ये अंदर की बात मैं बाहर बोल रहा हूं। एक अंदर ऐसा कुछ सिस्टम है, मान ले चल ठीक है, ए है और बी है, अंदर ही है, पूरा अंदर ही बात कर रहा हूं मैं। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हीट एक्सचेंज होगा दोनों के बीच में, होगा सर हीट एक्सचेंज होगा। बड़ा वाला जितना जितना लॉस करता जाएगा उतना उतना ये गेन करता जाएगा। कब तक, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता दोस्तों, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है, बोल हाँ या ना। 100 और 120 हुआ ना, तो इन शॉर्ट दोनों का इक्वल इक्वल टेम्परेचर जब तक नहीं होता है तब तक हीट का एक्सचेंज चलता रहता है। यहाँ से हॉट बॉडी ने जो हीट लॉस किया होगा उतना ही हीट इनने गेन किया होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही है कैलोरी मेट्री का या कैलोरी मीटर का प्रिंसिपल, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। बट कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई दोस्तों, ये इन दोनों के बीच को हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है, तो बाहर कहीं पे भी, बाहर कहीं पे भी हीट नहीं जा रहा है। तो मैं लिखूंगा दोस्तों, देयर इज नो हीट लॉस इन एटमोस्फियर, देयर इज नो हीट लॉस। जितना इसने हीट लॉस किया उतना ही सामने वो गेन कर रहा है। कैसे दोस्तों, एक नॉर्मल सी बात बोलता हूं, मेरे पास पानी है, ठीक है, पानी है, ठंडा पानी है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है, ठीक है। इसमें मैं गरम 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 एक लोहे को गरम किया हुआ है, जोरदार लेवल का ऐसा एक स्पीयर लोहे का बहुत गरम किया हुआ, उसको अंदर डाल देता हूं जुपाक। अब तू मुझे बता क्या होगा, तू मुझे बता क्या होगा। सर ये था 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म किया हुआ फुल, उसको ठंडे पानी में डाल दिया मैंने, तो जितना हीट लॉस बाय आयरन स्फीयर उतना ही हीट कौन ले लेगा, वाटर। हीट गेन बाय वाटर, सिंपल है, इसको, इसका सारा हीट किसको मिल जाएगा, वाटर को मिल जाएगा, वाटर ने ले लिया है तो, ठीक है ना, वाटर में मैंने रखा है तो। समझ में आ रहा है, थॉट क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है चलो दोस्तों। तो ये है कैलोरी मीटर, कैलोरी मैट्री दोस्तों, आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी काम में आएगा आपको, टेंशन नहीं लेना, बोल हाँ या ना, बातें क्लियर हो रही है, चलो अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फाइनली ये फंडा है कि यदि हीट लॉस नहीं हो रहा है आजू बाजू सराउंडिंग में कहीं पे भी, तो प्योरली दोस्तों जितना हीट एक पार्टिकल लॉस करेगा उतना ही वो गेन करेगा, आपने अभी यहां देखा था, ठीक है। जैसे कि एक नॉर्मल सी बातें करता हूं, दोस्तों मेरे पास ओ मेरा यार है रब वर्गा,
40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे ये मैंने लगभग 100 ग्राम वाटर अंदर रखा हुआ है, 100 ग्राम वाटर रखा हुआ है, ठीक है, ओके दोस्तों। उसके अंदर मैं एक सब्सटेंस डाल देता हूँ, ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, सब्सटेंस डाल देता हूँ 50 ग्राम मास वाला, तो और उसका टेम्परेचर है दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस, और ये जो सब्सटेंस डाला है उसका स्पेसिफिक हीट है 0.49 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसका दोस्तों स्पेसिफिक हीट आपको पता है 4.2 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बोल हाँ या ना, तो सर बोलना क्या चाहते हो आप, तो मुझे इतना बताइए, बहुत मस्त बात बोल रहा हूँ दोस्तों, कि इनका जो मिक्सर हुआ उसका फाइनल टेम्परेचर, मिक्सर तो नहीं बोल सकता दोस्त, मतलब दोनों मिले, हाँ, इसके अंदर ये गिरा, तो दोस्तों इन दोनों का मुझे फाइनल टेम्परेचर बताइए। बहुत मस्त है सर, बहुत मस्त बात बोल रहा हूँ, लेवल वाली पते की बात बोल रहा हूँ, आपका टॉपिक बहुत ही अच्छे लेवल से मैं क्लियर करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, चला जाए। तो मुझे तो इतना पता चला सर, कि वाटर गर्म था और ये ठंडा था, तो ये अंदर गिरा तो पानी अपना हीट किसको देगा, और ये सब बात नहीं हो दोस्तों, आइसोलेटेड है पूरा, तो पानी अपना जो हीट है इसको देगा ऑब्वियसली, तो पानी क्या हुआ, हॉट बॉडी हुआ, और सब्सटेंस क्या हुआ, कोल्ड बॉडी हुआ, सिंपल है दोस्तों। चलो वाटर का मास लिख दो 100 ग्राम, वाटर का टेम्परेचर लिख दो 40 डिग्री सेल्सियस, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल, इसका मास है 50 ग्राम, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका सी है 0.49, ठीक है। अब दोस्तों क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई मिक्सर का, अच्छा एक आपको है ना दोस्तों थीटा भी लिया है या तो टी भी लिया है, आपको जो ठीक लगे वो, ठीक है, ये 111 222, ठीक है, इस सवालों में दोस्तों थीटा ही लेंगे, आपकी सारी बुक्स में थीटा ही दे रखा है, थीटा 1 थीटा 2, आपको मजा आएगा दोस्तों। तो इन दोनों को अंदर मिलाया है और हीट, ये हीट अपना लॉस कर रहा है, ये हीट गेन कर रहा है, तो दोस्तों जो मिक्सर होगा इनका, या तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा, थीटा फाइनल कितना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, थीटा फाइनल कितना, तो सर करना पड़ेगा, चलो आ जाओ, हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय सब्सटेंस, ओके दोस्तों, तो हीट लॉस और गेन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, मतलब कि टेम्परेचर में इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो इसका जो हीट है जितना लॉस कर रहा है उतना ही हीट वो ले रहा है, तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2, क्यू मतलब क्या सर, MC डेल्टा T, क्यू मतलब क्या, MC डेल्टा T, हाँ 1 1 लिख दे, 2 2 लिख दे, और डेल्टा टी को डेल्टा थीटा लिख दे, बोलो क्लियर हो रही है बातें, बहुत मजे की बात करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना। M1 100 ग्राम का मास है, C1 4.2 है, डेल्टा थीटा, इसके वाटर के टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, तो हम देख रहे हैं कि वाटर के टेम्परेचर में लॉस कर रहा है तो 40 ज्यादा है और ये कम होगा, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है, वैसे ही दोस्तों इसका 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका फाइनल क्या होगा, इंक्रीज, बोल हाँ या ना, चलो तो आ जाओ, तो दोस्तों ज़्यादा माइनस कम टेम्परेचर, मतलब कि 40 माइनस थीटा फाइनल, ठीक है सर वेरी नाइस, इज इक्वल्स टू M2 50, C2 0.49, इसका डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर सर इंक्रीज हो रहा है, तो थीटा फाइनल माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, आप आराम से करिएगा, जुपाक जूम 420 40 माइनस थीटा एफ, और ये है 5 × 50 × 0.49
थीटा एफ माइनस टेन। दोस्तों आप आंसर लाओगे तो थीटा फाइनल कुछ आएगा 38.34 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो सर, थीटा फाइनल इंक्रीज हुआ, मतलब जो थीटा फाइनल मुझे मिला दोनों का ये है दोस्तों, इतना टेम्परेचर मिलेगा मुझे दोनों का मिक्स मिला के। ठीक है, बोल कैसा? तो कैलोरीमेट्री दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े सामने दोस्तों, इसके वेरिएशन बहुत अच्छे अच्छे लाऊंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों, चलो गजब लेवल का सम लिया है, गजब लेवल का, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। सवाल है पढ़िए फटाफट। हाँ आप बिल्कुल निश्चिंत, पोज कर वीडियो और अपने आप ट्राई कर, चल चल फटाफट। जुपाक 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 जुम 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 जुम। 360 ग्राम ऑफ सॉलिड इज ड्रॉप्ड टू दी 300 ml ऑफ वाटर। 300 ml ऑफ वाटर भाई, पानी का 300 ml है, टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। ये वॉल्यूम आ गया, ये टेम्परेचर आ गया, और उसका सी हमको पता है 4.2 जूल। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों एक सॉलिड ड्रॉप कर रहा हूँ, सॉलिड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो सॉलिड का मास कितना लिया हुआ है दोस्तों? 360 ग्राम। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस। और सॉलिड का एक ऐसा सॉलिड है जिसका ये रहा सी इतना है। ठीक है दोस्तों, तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब बोलिए, बोल रहा है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ दी वाटर, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियसली इसको पानी में डाला है और इसका टेम्परेचर, सॉलिड का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अब की बार मुझे बोलिए दोस्तों, हॉट बॉडी कौन होगा? सॉलिड होगा। कोल्ड बॉडी कौन होगा? सर वाटर होगा, वाटर। तो आइए दोस्तों, तो ऐसा बोल सकता हूँ, इसका मास 360 ग्राम, इसका टेम्परेचर इनिशियल 200 डिग्री सेल्सियस, इसका स्पेसिफिक हीट 4 समथिंग कुछ है ऐसा, 0.449, रुक जाएगी तो पता चलेगा, 0.449। डन है, डन है, डन है, चला जाओ भाई। M2 मास कितना है? 300 ml। टेम्परेचर कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस, और ये है 4.2 जूल, 9 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर है दोस्तों? मैं थॉट आपकी ज़्यादा क्लियर करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, चला जाओ भाई। हीट लॉस टू हीट गेन, इन दोनों का दोस्तों फाइनल टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है। फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर, मिक्सचर का, या तो मिक्सचर बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, बोलिए, चलिए फटाफट स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। ओ मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करूँ या करूँ इबादत, इश्क करूँ या करूँ इबादत, इको ही गल है। हर्फ अल्लाह, हर्फ अल्लाह, हर्फ अल्लाह। आहा सर, डेल्टो थीटो, डेल्टो थीटो। हॉट है भाई, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, तो ज़्यादा में से कम टेम्परेचर, माइनस 200 माइनस थीटा ऑफ मिक्सचर। M2 सर, ये M2 नहीं है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है दोस्तों। तो सिंपल में मेथड देता हूँ आपको मैं M2 फाइंड करने का, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा। मुझे वॉल्यूम दिया है 300 ml, मैं उसका डेंसिटी जानता हूँ 1 ग्राम पर ml, तो क्या मास इज इक्वल्स टू रो इन टू वी? रो है 1 ग्राम पर ml, और यह 300 ml, ml से ml गया, 300 ग्राम मास है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो 300 ग्राम मास, 4.2 डेल्टा थीटा दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा है ना, बॉडी का टेम्परेचर गेन होगा। तो दोस्तों थीटा ऑफ मिक्सचर -24। दोस्तों आप आंसर लाओगे, अरे यार इसका इसका सॉल्व करके आंसर लाओगे तो अप्रोक्स थीटा ऑफ मिक्सचर मिलेगा 44 डिग्री सेल्सियस। बोलो लाद हो गया आंसर दोस्तों, आंसर लाने मुझे मजबूर मत करो। अब दोस्तों ये बातें आपको नहीं करनी है, मान ले तो इससे इजी बातें सिखाऊं, बोल इजी बातें सिखाऊं, टेंशन नहीं लेना, आ जा। बहुत मस्त एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, ठीक है सर।
हॉट बॉडी का मास m1 है, टेम्परेचर t1 है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c1 है। इसका मास सॉरी हम थीटा वन लेंगे, थीटा वन लेंगे, थीटा टू लेंगे और c2। ठीक है, थीटा से ही डिनोट करेंगे, हर एक बुक में थीटा ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो फाइन थीटा ऑफ मिक्सचर। तो देख दोस्त ईमानदारी से बहुत मजा आने वाला है तुझे। फाइनली ये तरह जुगाड़ी में सेट कर देता हूँ, ये छोड़ ऐसा नहीं करने का, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट की दूँ तो क्या प्रॉब्लम है, चला जाए कैसे। तो दोस्तों थीटा ऑफ मिक्सचर, चलिए क्या करते थे हम, इसने जो हीट लॉस किया, इसने जो हीट गेन किया, एम वन सी वन डेल्टा थीटा, एम टू सी टू डेल्टा थीटा। क्लियर सर? क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। एम वन सी वन डेल्टा थीटा बोलो। चलो हॉट बॉडी है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ज़्यादा में से कम, थीटा वन माइनस थीटा ऑफ मिक्सचर। ओके सर, एम टू सी टू, ये कोल्ड बॉडी है दोस्तों, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो थीटा मिक्सचर ज़्यादा होगा कंपेयर टू थीटा टू। बहुत मस्त बात बोल रहा हूँ। अब दोस्तों मल्टीप्लीकेशन करो, एम वन सी वन थीटा वन माइनस एम वन सी वन थीटा ऑफ मिक्सचर टू एम टू सी टू थीटा मिक्सचर माइनस एम टू सी टू थीटा टू। दोस्तों ये एम टू सी टू थीटा टू है, वो इस तरफ ले आऊँ, रुक जा, दिख रहा है ना, मेहनत मेरी बात तल नहीं जानी चाहिए दोस्त। हाँ हाँ क्लियर है, क्लियर है भाई, दिख रहा है दिख रहा है, क्या बात। चलो आ जा, इज इक्वल्स टू दोस्तों माइनस एम वन सी वन थीटा मिक्सचर सामने भेज दो, और ये प्लस एम टू सी टू थीटा मिक्सचर है ही। ओके सर, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, थीटा मिक्सचर कॉमन ले लूँ तो एम वन सी वन प्लस एम टू सी टू, और इस तरफ एम वन सी वन थीटा वन प्लस एम टू सी टू थीटा टू। ठीक है, तो बोलिए दोस्तों थीटा ऑफ मिक्सचर क्या मिलेगा। हाँ ये लिख लेगा तो अपने आप से, मैं रफ कर दे रहा हूँ, थीटा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू एम वन सी वन थीटा वन एम टू सी टू थीटा टू, और ये पूरा ब्रैकेट नीचे एम वन सी वन प्लस एम टू सी टू। अब बोल थीटा मिक्सचर का, मैंने आंसर ही ला दिया, सब छोड़ यार। बहुत मस्त सर, बहुत मस्त, बहुत मस्त है ना। कभी कभी कंडीशन ये भी होता है कि दो सेम मास वाला बॉडी लेता हूँ, दो सेम मास वाला बॉडी लेता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है, थीटा मिक्सचर सेम मास कॉमन, सेम मास कॉमन उड़ गया, तो C1 थीटा 1 प्लस C2 थीटा 2 C1 प्लस C2। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। मान लो कभी कभी ऐसा दो बॉडी ले रहा हूँ, ऐसा दो बॉडी ले रहा हूँ, मैं सवाल करवा रहा हूँ जिसका मास भी सेम हो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम हो, तो दोस्तों क्या होगा, मास भी सेम हो तो ये आंसर आया, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है तो सी सी कॉमन और नीचे सी सी कॉमन, तो थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। ये है दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मजा आने वाली है आपको, इस पर से हम फॉर्मूला लाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले दो तू, ओके बोल भाई, दिख रहा है तुझे, क्लियर है क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले जुपाक। चल मस्त बातें हो रही हैं दोस्तों, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स लेके आया हूँ मैं, मुझे पता है आपकी दुखती नस क्या है, आपको क्या इश्यूज हो रहे हैं। और ये दोस्तों जी नीट में डगलो बार पूछा गया है, जी नीट में बहुत बार थर्मो मतलब लाइट सेट, हीट ट्रांसफर, थर्मो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आने वाली है। चलो आ जाओ दोस्तों, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल हूँ, आपको तुरंत पता चल जाएगा। एक हॉट वाटर है 90 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान से सुनना, आपके सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे, सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, उसके अंदर में इफ आई पोर कोल्ड वाटर, ये ग्रीन में है जो वो कोल्ड वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये हॉट वाटर है वो भी 100 ग्राम है, कोल्ड वाटर है वो भी 100 ग्राम है। ठीक है, तो दोस्तों बोलिए, हॉट वाटर हॉट लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा, एंड कोल्ड वाटर
हीट गेन करेगा। दोस्तों इसका मास और इसका मास मैंने सेम लिया है 100 ग्राम, वाटर ही है दोनों, तो दोनों का सी भी सेम होगा 4.2 जूल। ठीक है, तो बताइए दोस्तों मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा। मिक्सर का टेम्परेचर थीटा वन है इसका, हॉट का है 90 डिग्री सेल्सियस और थीटा टू है 10 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्सर का थीटा क्या होगा? अरे 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 सर, ओनली थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, 90 प्लस 10, 100 बाई टू, 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस बोल, हाँ या ना, आया ना। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं दोस्तों, आपको ये हीट लॉस गेन में पढ़ना ही नहीं है, सीधा आंसर लाना है, बोल हाँ या ना। क्लियर है, चला जा दोस्त। थोड़ा हट के सवाल करवा रहा हूँ। फॉर्मूला लिख लिए सबने, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ भाई, चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है अपने, लेकिन कंटेंट जबरदस्त है दोस्त। चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं, वो तेरी जिम्मेवारी है सब्सक्राइबर बढ़ाना। तुझे वीडियो अच्छा लगा ना, कंटेंट मजबूत लगा ना, सब कुछ दिया ना, तो तेरी जिम्मेवारी है कि तू दूसरे किसी को बोले कि ये चैनल सब्सक्राइबर पे क्या लेक्चर, ऐसा कुछ कर सकता है। तो चला जा दोस्तों, एक फटाफट एग्जाम्पल लेता हूँ। 480 ग्राम कॉपर इज ड्रॉप्ड इनटू 390 ml ऑफ वाटर 822 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर वॉज इंक्रीज्ड या तो मेजर्ड एज, आराम से भाई सवाल कर ले, तू ही कर ले, वीडियो पोस्ट करके अपने आप से ट्राई करके करना। रुक जा, पूरा क्वेश्चन तो लिखने दे। ये तुझे जरूर से पता होना चाहिए हॉट बॉडी कौन है और ठंडा बॉडी कौन सा है। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट दोस्तों। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर बोला है और मिक्सर का मतलब कि फाइनल टेम्परेचर दे दिया है, ये रहा। ओहो सर, तो मुझे तो याद है ना इतना, m1 c1 थीटा 1, m2 c2 थीटा 2, m1 c1 प्लस m2 c2। तो कोई इश्यू नहीं है सर, मुझे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर फाइंड करना है। किसका ज़्यादा है देख लीजिए, वाटर का 22.6 है और वाटर का और फाइनल टेम्परेचर क्या है 39.9। मतलब वाटर क्या करने वाला है, टेम्परेचर गेन करने वाला है। वाटर क्या करने वाला है, टेम्परेचर गेन करेगा, मतलब कि वाटर कैसा, वो कोल्ड बॉडी हुआ। तो वाटर कोल्ड है और इसके अंदर जो कॉपर डाला है वो क्या है, हॉट है दोस्तों। ठीक है, तो ये थीटा वन मुझे फाइंड करना है, ऐसा सिंपल। थीटा मैक्सिमम है, सब कुछ वैल्यू दे रखा है दोस्तों, आप ला पाओगे दोस्तों। क्लियर है, बोलो जरूर से कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, तो मुझे पता चले आपको कितना समझ में आ रहा से, बोल। क्लियर है, इसी फॉर्मूला पर से दोस्तों आप सारे फॉर्मूला बनाना। वाटर ही दू, दोनों टाइम वाटर ही दू और अलग अलग मास लू तो सर सी निकल जाएगा। वाटर ही है तो दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम, तो सी निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 थीटा 1 m2 थीटा 2 upon m1 plus m2, वो भी बना दे तू। क्लियर है कि नहीं, अब तुझ पे डिपेंड है दोस्तों, वेरिएशन में दे सकता हूँ, लेकिन ये तीन फॉर्मूला जो दिए थे मैंने अभी आपको, उसी पर से मैक्सिमम बेस्ड है सारी चीज़ें। ठीक है ओके, एक आधा सम करवा देता हूँ, तब तक स्क्रीनशॉट ले ले चलते हो। ओके दोस्तों, ठीक है भाई, स्टार्ट करें, चला जा दोस्तों। एक दो सवाल और हैं, गजब लेवल वाले दोस्तों, तू एंजॉय कर लेगा इस सवाल को। ठीक है, चला जा दोस्तों। एक ड्रिल मशीन है, ड्रर करती है ना, हाँ ठीक है सर, ड्रिल मशीन है। उसका पावर लिया हुआ है मैंने, कुछ 1000 वाट है, उसका पावर 1000 वाट है। एक ड्रिलिंग मशीन है, सुनना ध्यान से, बहुत मस्त लेवल वाला कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। उसका पावर 1000 वाट है, ठीक है, समझाता हूँ, सारी मेथड समझाऊंगा। 1000 वाट है, लेकिन उसका एफिशिएंसी 50% ही है,
मतलब कि भले उसका पावर 1000 वॉट होता हो दोस्तों, वो 50% ही काम दे रहा है, मतलब कि 500 वॉट जितना ही काम दे रहा है, ऐसा एक मेथड। ठीक है, चल देखते हैं, पढ़ता हूँ। अब उस ड्रिल मशीन से मैं एक 5 किलो का एल्यूमिनियम का ब्लॉक पड़ा हुआ है, पूरा सीन क्रिएट करूँ, मैं पूरा सीन क्रिएट करूँ। ये ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ड्रिल मशीन से ड्र 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 ऐसा कुछ, इस ड्रिल मशीन से उस 5 किलो वाले एल्यूमिनियम के ब्लॉक पे मुझे होल करना है, होल करना है, ड्र, ठीक है। तो दोस्तों इस एल्यूमिनियम ब्लॉक का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, सिंपल लॉजिक है। ऑब्वियसली सर, ड्रिल मशीन से ड्रिल कर रहे हैं, फिर आप हाथ लगाना, ड्रिल हटाए देते, फिर हाथ लगाना, वहां पे हालत खराब हो जाएगी। एल्यूमिनियम ब्लॉक का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। एल्यूमिनियम का इतना होता है सी, हीट कैपेसिटी, इसका टेम्परेचर है, उसका मास है, मुझे चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज कौन कर रहा है, किससे हो रहा है, ड्रिल मशीन यहां से हीट दे रहा है, तब हीट दे रहा है तब, बोल हाँ या ना, है ना। ड्रिल मशीन कितनी हीट दे रहा है सर, पता नहीं सर, लेकिन यह दिया है कि ड्रिल मशीन का पावर 1000 वॉट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ये बोला गया, क्वेश्चन ये है कि भाई ड्रिल मशीन है जिसका 1000 वॉट पावर है, जिसका एफिशिएंसी 50% है, अब एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है 5 किलो का, और उसका ये सी है इतना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो एक मिनट में इस एल्यूमिनियम ब्लॉक, एक मिनट तक ड्रिल करता रहूं तो एल्यूमिनियम ब्लॉक के टेम्परेचर में कितना चेंज आ जाएगा। तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, पहला तो 2 खाने पाड़ दूंगा इसके, तो मास हो गया 5 kg और सी हो गया 0.91 जूल। दोस्तों ग्राम इंटू सेल्सियस दिया, हमको किलोग्राम में बात करनी है, तो नीचे किलोग्राम 10^-3, ऊपर जाएगा तो 10^3 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, चेंज इन टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों बात यह है कि जो ड्रिल मशीन है उसका पावर 1000 वॉट है, इसका मतलब क्या हुआ सर? 1000 वॉट का मतलब 1000 जूल पर सेकेंड है। ओ, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। 1 सेकेंड में वो 1000 जूल जितनी हीट दे रहा है, 2 सेकेंड में वो 1000 × 2 जूल जितनी, 3 सेकेंड में वो 1000 × 3 जूल जितनी। तो दोस्तों 1 मिनट में वो कितनी हीट दे रहा होगा, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में कितनी दे रहा होगा, 1000 × 60 मतलब 60,000 जूल जितना हीट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ड्रिल मशीन में से निकलने वाला हीट कितना, 60,000 जूल। ठीक है दोस्तों, एफिशिएंसी 50% ही है, 50% ही है दोस्तों। तो फाइनली उसका क्यू कितना होगा, डिवाइड बाय 2, 30,000 जूल होगा। बोल ईमानदारी से बोल। मतलब कि ये जो ड्रिल मशीन है वो एल्यूमिनियम को कितना हीट देगा, तो मैं लिखता हूँ हीट लॉस बाय ड्रिल मशीन इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक। ठीक है, कितना हीट दे रहा है, 30,000 जूल। ठीक है, आप कभी कभी ऐसा लिख सकते हो दोस्तों, ड्रिल मशीन ने हीट कितना लॉस किया, तो हम बोल सकते हैं द पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम। ध्यान से सुनना, पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम, तो हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो मैंने वही तो किया दोस्तों, पावर कितना था 1000, पावर कितना था 1000, टाइम कितना था 60, तो 1000 × 60, 60,000। तो आप कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा दिया होता है पावर इंटू टी, तो टेंशन नहीं लेना, वही बात है, क्यू इज इक्वल टू पावर इंटू टी, और ये आ गया दोस्तों MC ΔT। सर यहाँ पे क्यों MC ΔT यूज़ किया, एल्यूमिनियम के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है दोस्तों। ये कितना आ गया दोस्तों आपका आंसर, ये ऐसे 60,000 था लेकिन एफिशिएंसी 50% है ना, तो चलो M कितना 5 किलो, C कितना 0.91 × 10^3,
डेल्टा टी फाइंड करना है, चेंज इन टेम्परेचर 30,000 बाय 5.91 10^3 और ये 3 गया 30, ये उड़ा ऊपर 100, 5 × 91। दोस्तों डेल्टा टी मैंने टेम्परेचर लिख रखा है, कितना चेंज हो रहा है कुछ 6.59 डिग्री सेल्सियस, इतना चेंज हो रहा है, बोल हाँ या ना। हाँ या ना, ये सवाल हटके है दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है सवाल, थोड़ा हटके सवाल है लेकिन मजा आएगी, बोल हाँ या ना। क्लियर है, तो पावर वाला क्वेश्चन दे तो आप ऐसे कर सकते हो, बस स्क्रीन शॉट ले ले, चल जुपाक। तो आएगा अब समझ में आया पूरा, क्लियर हुई बात, चला जा नेक्स्ट 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 और लास्ट समरे, लास्ट सम चला जा। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं लिखूंगा बोर्ड पे, ऐसा आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है दोस्तों। इन कॉपर वेसल, कॉपर अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा है बेचारा, गरीब एकदम, इसलिए उसी का वेसल ले रहे हैं। वाटर 850 डिग्री सेल्सियस, नाउ 200 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर 85 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू वेसल, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मास ऑफ वेसल इज 50 ग्राम। ठीक है दोस्तों, बहुत ही थोड़ा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन लेकिन मजा आने वाली है, अब की बार सुनना। इन अ कॉपर वेसल वी पोर 100 ग्राम वाटर 850 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करें। ये कॉपर का वेसल है, कॉपर का वेसल है, उसमें मैंने ये थोड़ा आइडिया कर देता हूँ, कॉपर का वेसल उसमें मैंने वाटर डाला, वाटर। हाँ दोस्तों की बार देखना, कॉपर का भी थोड़ा थोड़ा प्रशंसा कर रहा है वो, देखना वी पोर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये 100 ग्राम हो गया मास, इसका थीटा हो गया 50 डिग्री सेल्सियस और सी तो हम जानते हैं। ठीक है सर, वाटर की बात हो गई दोस्तों, इसको कॉपर में डाला हुआ है, कॉपर वेसल में डाला हुआ है, ध्यान रखना। हर बार क्या था, हर एक क्वेश्चन में दोस्तों खाली दो सब्सटेंस के बीच में ही हीट हो रहा था, अब की बार दोस्तों कॉपर वेसल में, जिस कॉपर वेसल में डाला है वाटर को, उस कॉपर वेसल का भी उसने तारीफ किया है। देखो मतलब कि कॉपर वेसल भी इन्वॉल्व होने वाला है इस प्रोसेस में, देख कैसे। नाउ 200 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर 85 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू द वेसल, अब दोस्तों उसमें मैं कोल्ड वाटर डाल रहा हूं, बात सुनना मजा आने वाली है, कोल्ड वाटर डाल रहा हूं दोस्तों, कितने मास का 200 ग्राम मास का, जिसका टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम, कोल्ड हो या हॉट हो, बोलो क्लियर है, क्लियर है। इसको दोस्तों कॉपर वेसल में डाला है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड करो, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। सर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर ये बात थी हमारी, दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम होता था, तो थीटा मिक्सचर का फॉर्मूला हम क्या लेते थे, m1 θ1 + m2 θ2 / m1 + m2। क्लियर है, हाँ दोनों का सी सेम है ना, अपना वो फॉर्मूला लगा, थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू m1 C1 θ1 + m2 C2 θ2 / m1 C1 + m2 C2। लेकिन सी कॉमन है, सेम है, तो निकाल दे, अब फॉर्मूला क्या बन रहा है देख। लेकिन दोस्तों लोचा क्या हो रहा है मालूम है, अब की बार कॉपर वेसल मास ऑफ दी वेसल भी दिया हुआ है, ये लोचे वाला काम कर रहा है, ये लोचे वाला काम कर रहा है दोस्तों, मतलब कि अब की बार ये दोनों ही इन्वॉल्व नहीं है, कॉपर का वेसल भी इन्वॉल्व है, कॉपर वेसल का मास 50 ग्राम है, कॉपर वेसल में जैसे ही ये हॉट वाटर डालेंगे, बेचारा गरीब है, हॉट वाटर का जितना टेम्परेचर है वो ही कॉपर वेसल का हो जाएगा। ठीक, और इसका दोस्तों आपको पता है 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब की बार होगा क्या पता है, अब की बार होगा क्या, हीट लॉस बाय वाटर प्लस हीट
लॉस बाय कॉपर इज इक्वल्स टू, ये दोनों का मिक्सचर हो के फिर इसको हीट गेन बाय, हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। समझना बात को, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। इसने हीट लॉस किया Q1, इसने हीट लॉस किया Q2, इतने हीट गेन किया Q3, कोई इशू नहीं, नाम दे दो कोई भी। हीट लॉस MC डेल्टा थीटा। शांति से, कोई उतावल नहीं है हमें, चलो आ जाओ। इसका वाटर का है दोस्तों मास, हॉट वाटर का 100 ग्राम, सी है 4.2, डेल्टा थीटा दोस्तों मिक्सर का है, थीटा मिक्सर, तो हॉट वाटर है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा में से कम माइनस करूँगा। इसका ऑलरेडी है 50 माइनस थीटा ऑफ मिक्सर, ठीक है, मैं थीटा ही लिख रहा हूँ खाली, ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े इसलिए। ये दोस्तों कॉपर का है 50.4, ये भी सेम सर, 50 माइनस थीटा, बराबर है सर। एम और कोल्ड वाटर का 200 ग्राम, सी कितना है 4.2, और डेल्टा थीटा सर, कोल्ड वाटर तो गेन करेगा, मतलब थीटा में से गेन करेगा, तो क्या होगा दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस से थीटा हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा ना, और थीटा मिक्सर तो थीटा माइनस 5। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें, ज़्यादा में से कम माइनस करूँ ना। अब देख ईमानदारी से बोलिया, 100 × 4.2, ये दोनों दोस्तों दो कॉमन है, प्लस 50 × 0.4, 50 माइनस थीटा, ये दोनों कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 200 × 4.2 थीटा माइनस 5। देखो दोस्तों ये हो गया 420 प्लस ये हो गया 20, 50 माइनस थीटा 200 × 4.2 थीटा माइनस 5, 420 और 20 440, ठीक है दोस्तों आराम से 50 माइनस थीटा। इस साइड देखो को सामने सामने कुछ ए जाने दो तो झुपाक, आपके हिसाब से आप कर सकते हो, आपको फटाफट और स्पीड बढ़ेगी भी, ठीक है दोस्तों। अब ये 50 माइनस थीटा 800, जो आपको करना है आप आपके हिसाब से आगे थीटा ला देना, जो आंसर आए वो बोल हाँ या ना। तो ऐसे मिक्सर वाले क्वेश्चन आपके NCERT टेक्स्ट बुक में है कि जो यदि मान लो कि वेसल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, वेसल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली मैं, मुझे मास ऑफ वेसल नहीं लिखना चाहिए, मुझे वेट ऑफ वेसल लिखना चाहिए, क्यों, वो जब मैं आपके NCERT टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में शायद, तो वाटर और कॉपर वाले ये सेम ऐसा ही है, वो समझाऊंगा तब मैं डिटेलिंग बात करूंगा आपसे कि मास ऑफ वेसल नहीं है, वेट ऑफ वेसल लेना है 50 ग्राम, ठीक है। चलो देखते हैं वीडियो कैसा लगा, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। और ये लेवल है NCERT टेक्स्ट बुक लेवल है दोस्तों, सो GNET में क्या लेवल होगा टेंशन नहीं लेना, मैं बैठा हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, या दोस्तों को बताओ देखो आराध्य में ये है वो, सब्सक्राइबर पे मत जाना प्लीज़ यार, सब्सक्राइबर पे मत जाओ यार, हमने किसी को बोला भी नहीं तो भी इतने सब्सक्राइबर है, समझो बच्चे अपने आप से सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल में अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, आपने नहीं किया तो ठका कर देना, चल बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ओके दोस्तों, ओके चलो एक तगड़ा लेवल वाला 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जावेगा, क्या हो जावेगा, थॉट प्रोसेस क्लियर हो जावेगा। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, अरे ये सम्स बनाने पड़ते हैं सब, क्या बात करता है तू, चला जा, बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत मज़ा, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को सारा कंटेंट इकट्ठा हो और एक ही वीडियो देखना पड़े ये वाला, तो जिससे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। GNET में आपको ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है दोस्तों। अच्छा, इस चैप्टर में क्या हो रहा है, जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक के भी मेरे लेक्चर देखे होंगे तो उन बच्चों को टेक्स्ट बुक में भी वही कंटेंट मिलेगा, टेक्स्ट बुक वाले लेक्चर में भी वही कंटेंट है, और GNET में वही कंटेंट है और उसके आगे और लेक्चर मैंने ऐड किया है, और तगड़े टफ सम वाले जो GNET में काम में आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट GNET में और टेक्स्ट बुक में सेम लिया है मैंने, लेकिन सम्स थोड़े GNET में अलग से लिए हैं। जैसे कि आपने अभी इससे पहले का जो थोड़े समझ लो 2 मिनट पहले का वीडियो आप देख लो, तो उतना वीडियो तो टेक्स्ट बुक के लेक्चर में भी है, और अभी जो पीछे का वीडियो है वो पूरा
जी नीट के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चैप्टर में ऐसा हो रहा है कि जी नीट का और टेक्स्ट बुक का लेक्चर थोड़ा थोड़ा सेम सेम लग रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ अभी मैं जी नीट में दोस्तों कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ही सारे आईएमपी क्वेश्चंस चला रहा हूँ दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। चौपड़ा बना लेना दोस्त, नहीं बनाया हो तो बनाए, चल ठीक है, तेरे ऐसा कौन हो। द टेम्परेचर ऑफ, लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, ये शायद एररलेस में है मेरे हिसाब से, सम एररलेस में है, राइजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस व्हेन 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड, देन फाइंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। अरे बाप रे सर, अरे बाप रे सर, चलो आ जाओ, बहुत मस्त समय, बहुत मस्त समय है दोस्तों। क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, एक तरफ कोल्ड एक तरफ हॉट, ये बात हो चुकी है अपनी, हो चुके सर, कैलोरी मैट्री के सम, कैलोरी मीटर के सम ले रहे हैं तो हो चुकी है, ये सब कैलोरी मीटर के अंदर हो रहा है सर, कैलोरी मीटर, ये कैलोरी मीटर था याद है, उसके अंदर हो रहा है सब, कोल्ड वाटर अंदर है 500 ग्राम, समझ में आ रहा है, हाँ कैलोरी मीटर के अंदर हो रहा है ये सब। 500 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर का मास 500 ग्राम है, राइजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है सर, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर आगे जाके 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो सर स्टार्टिंग में क्या था सर, इनिशियल क्या था, तो इनिशियल टेम्परेचर में उसका ले लेता हूँ थीटा, मुझे नहीं पता है, ठीक है, राइजेज बाय द 10 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बोलिए दोस्तों फाइनल टेम्परेचर कितना मिलेगा उसका, थीटा प्लस 10, बोल हाँ या ना, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात बोल दी सर आपने, समझना, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, 200 ग्राम का हॉट वाटर डालने वाला हूँ अंदर, एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, और अब वाटर का आपको सी पता है, सी पता है 4.2 दोस्तों, तो ये भी वाटर है, इसका भी सी पता है आपको 4.2 दोस्तों, ठीक है, बोल हाँ या ना। अब दोस्तों जब मैं हॉट वाटर इसमें डालूंगा, कैलोरी मीटर में हॉट वाटर डालूंगा तो क्या होगा, जूम 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 जूम, ये कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर था, जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज होगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनली टेम्परेचर उसका क्या मिलेगा मुझे, थीटा प्लस 10, थीटा प्लस 10, नहीं समझ में आया दोस्तों, जो था उसमें 10 ज़्यादा, 20 है और उसमें 10 ज़्यादा, तो फाइनल कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक। तो दोस्तों इसका टेम्परेचर क्या होने वाला है, डिग्रीज होने वाला है, हाँ सर क्या बात है क्या बात है, तो हीट लॉस बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, चलिए आ जाइए फटाफट आइए, एम सी डेल्टा टी, ठीक है सर, बहुत ईजू है, बहुत ही ईजू है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, दोनों का सी सेम है, छोड़ दो, हाँ दोस्तों इसका मास, हॉट वाटर का मास है 200, डेल्टा टी बोलो भाई, हॉट का डेल्टा टी बोलो, डिक्रीज हो रहा है, तो 50 में से इतना कम हो रहा है, 50 माइनस थीटा प्लस 10, बोल हाँ या ना, ईमानदारी से बोल, समझ में आया कि नहीं, हर बार नहीं किया, लास्ट सम में हमने क्या किया हुआ है दोस्तों, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, ये कितना है, थीटा प्लस 10 है, तो थीटा माइनस, 50 में से थीटा प्लस 10 को माइनस कर दिया, इसका मास कितना है, कोल्ड वाटर का 500 है, ठीक है, और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है, तो ये रहा ना सर 10 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी का मतलब क्या, इसमें से ये माइनस, तो थीटा प्लस 10 माइनस थीटा, तो 10 ही हुआ, और ऐसे भी पता है चेंज इन टेम्परेचर 10 हुआ, तो
ये 10 है दोस्तों, बोलो हाउज दैट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो सकता है, ये गया दो, मिंडी मिंडी गया, चलो ठीक है, दो 50 माइनस थीटा माइनस 10 और ये 50, चलो आराम से, हाँ ये दो को सामने भेज दो तो 25 हो जाएगा, और ये 50 माइनस 10 40, 40 माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री सेल्सियस। देख लेना कहीं मैं गलती में तो नहीं हूँ दोस्तों, कहीं गलती तो नहीं हो रही है अपनी, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोल एक बार देख ले क्लियर कट, कहीं गलती नहीं हो रहा है। हा 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 हा, 15 हाँ ठीक है चलो डन है दोस्तों। आंसर एक बार देख लेना, अरे मतलब कैलकुलेशन देख लेना आंसर, ओके ठीक है चलो आ जाओ, ओके डन है बोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? बहुत लेवल वाले सम्स करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत लेवल वाले सम्स करवाऊंगा। एक सम है दोस्तों, ये आपकी जो एररलेस बुक है उसमें दिया हुआ है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत मजा आएगा आपको, देखना। दो लिक्विड है, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, टू लिक्विड्स ए एंड बी, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, देर आर टू लिक्विड्स, ओके एक मिनट रुक जा, नीचे दिख रहा है तुझे, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हाँ भाई आ तो रहा है, आ तो रहा है, बराबर है बराबर है बराबर है, चल भाई आ जा। एक 32 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जे नीट में पूछते हैं भरपूर, चलो आ जाओ। इन दोनों को मिक्स करते हैं, वेन मिक्सड दे आर इन इक्वल मास है, भाई मास उनका m है, इसका मास भी m है, मास सेम है, मास सेम है, अभी दो मिनट में आ रहा रुक, और मिक्स कर रहे हैं हम इसको, मिक्स कर रहे हैं दोस्तों, और मिक्सर का टेम्परेचर थीटा ऑफ मिक्सर इज इक्वल्स टू 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट्स, भाई T1 M1, और T1 ना लिखना हो तो थीटा 1, थीटा 2, M2 दोस्तों, इसका C1 और इसका C2, इनका रेशियो फाइंड करना है दोस्तों। दोनों को मिक्स कर दिया है, मिक्सर का टेम्परेचर आपको दे दिया है ऑलरेडी, कितना है मिक्सर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, लगाओ फॉर्मूला। अरे अरे सर रुको, मास सेम है तो थीटा मिक्सर का फॉर्मूला याद है आपको, थीटा ऑफ मिक्सर M1 C1 थीटा 1 M2 C2 थीटा 2, M1 C1 प्लस M2 C2, क्या बात है सर क्या बात है। चलिए बोलिए फटाफट 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 स्पीड बढ़ाइए, ये 28 मिक्सर का दोस्तों मास सेम है तो ऊपर ऊपर से कॉमन लेके निकाल दूँ, कर लेना है ना, ठीक है चलो आ जाओ। C1 थीटा 1, चलो डायरेक्ट करते हैं, आ जाओ C1 पता नहीं है, थीटा 1 पता है मुझे, 32 पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, थीटा 2 कितना है, थीटा 2 कितना है 24, वो यार मेरा हर एक से वफा करता है, चलो भाई C1 C2 को यहाँ पे भेजो, 28 C1 28 C2, सामने 32 C1 24 C2, 32 C1 है, इस C1 को सामने भेज दो, 4 C1 हो गया, ये 28 C2 है माइनस 24 C2, 4 C2, देख लेना कहीं गलती नहीं हो जाए दोस्तों, 28 और ये 4 और ये ठीक है, C1 by C2 is equals to 1, रेशियो है 1 by 1, कहीं पे गलती ना हो, कहीं पे गलती ना हो जाए, टिंगड़िंग 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 टिंग, ठीक है दोस्त, नहीं राइट है, चलो भाई सी क्या आएगा आंसर, 1:1, ठीक है क्या रेशियो आएगा, 1:1, बोल हाउज दैट, क्लियर है क्लियर है, हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत तगड़े तगड़े सम्स लेके आ रहा हूँ, दो मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों फटाफट दो क्वेश्चन रखा है, बहुत तगड़ा लेवल वाला दोस्तों, देखो 2005 जी मेन की एग्जाम में पूछा गया था और ये 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ कैलोरी फॉलोज विस कंडीशन, बस इतना सा क्वेश्चन और 4 MCQ, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए दोस्तों, आपका लाइफ सेट 4 मार्क्स सीधा, बोल देखा जा। डेफिनेशन ऑफ कैलोरी फॉलोज विस कंडीशन, सर ये वाला 14.5 से 15.5 टेम्परेचर का कंडीशन है उसका याद है कुछ, हाँ लेकिन सर ये क्या है, ये प्रेशर की बातें आने लगी दोस्तों, प्रेशर तो दोस्तों प्रेशर ये होता है, याद रखना 760 mm
ऑफ एच जी, ठीक है। ये सब सिस्टम आपको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो ये कंडीशन दोस्तों एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस पर बात हो रही है। तो कैलोरी किस कंडीशन को फॉलो करता है, इसको दोस्तों। तो देखो यहाँ पे भी ये दिया है, लेकिन यहाँ पे 76 दिया है, भ्रमित नहीं होना, ये तो है ही नहीं, ये टेम्परेचर तो है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा आपका, ए। ठीक है, थैंक यू, स्माइल कर रहे, मस्त मस्त क्वेश्चन चला रहा हूँ। अ लिक्विड ऑफ मास एम, चलो भाई लिक्विड वन, मास कितना है एम, स्पेसिफिक हीट सी, स्पेसिफिक हीट सी, ठीक है दोस्त, ठीक है। इज हीटेड टू द टेम्परेचर 2T, इसका टेम्परेचर कितना है, 2T है सर, सिंपल है। अब लिक्विड नंबर टू, अनदर लिक्विड ऑफ मास m by 2, भाई दूसरे का मास m by 2, स्पेसिफिक हीट 2C, 2C इज हीटेड और टू द टेम्परेचर T, ठीक है। नाउ दिस टू लिक्विड्स आर मिक्सड अप, दिस टू लिक्विड्स आर मिक्सड, वॉट हैपन दोस्तों, द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, सर रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर वाले जस्सम आते हैं, हमारा दिल खुश हो दिता सर, थीटा ऑफ मिक्सचर, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत इजू क्वेश्चन है। M1 C1 T1, M2 C2 T2, हाँ भाई थीटा वन थीटा टू लिख दे यार, M1 C1 M2 C2, ईमानदारी से बोल दे, अपने आप से आंसर लिख देना, वैल्यू तो रखनी है रे, वैल्यू तो रखनी है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। चले प्रैक्टिस में दो क्वेश्चन फटाफट लिख, प्रैक्टिस में दे रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा, बैठे का बैठा, लिख दो लिक्विड है दोस्तों, हाँ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, लिख लो, ठीक है। लिक्विड है वन है, लिक्विड टू है, लिक्विड वन का मास एम है, स्पेसिफिक हीट एस है, और जो टेम्परेचर है वो 2T है। दूसरे का मास, अनदर लिक्विड ऑफ थर्मल कैपेसिटी 1.5 टाइम, दूसरा लिक्विड है, ये बहुत मजे की बात बोली है मैंने आपको, अपने आप से करना है, ट्राई करना, थर्मल कैपेसिटी 1.5 टाइम्स है। इफ अनदर लिक्विड ऑफ थर्मल कैपेसिटी 1.5 टाइम्स, और इसका टेम्परेचर बोला गया है T/3, ठीक है, एंड द रिजल्टेंट टेम्परेचर इज, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर मुझे पूछा है दोस्तों, प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। लिक्विड ऑफ मास एम एंड स्पेसिफिक हीट एस इज हीटेड एट द टेम्परेचर 2T, ओके। इफ अनदर लिक्विड ऑफ थर्मल कैपेसिटी 1.5 टाइम्स, थर्मल कैपेसिटी, हाँ सर समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, मास लाना है तुझे इसका, देख लेना, थर्मल कैपेसिटी पढ़ा है तूने, थोड़ा तो ट्विस्ट करके दू ना यार, चला जा, हाँ, और इसका टेम्परेचर है T/3। तो दोस्तों आंसर लाइए, मिक्सर का थीटा, मिक्सर का टेम्परेचर क्या आएगा, बोल डने डने डने, क्लियर है, आ जा, यहाँ पे जगह बच रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा और चला देता हूँ। देख कैसे छोटे छोटे पिद्दू से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं। इन सप्लाइंग 400 कैलोरी ऑफ हीट टू अ सिस्टम, द वर्क डन विल बी, सब वर्क का यूनिट जूल होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, मुझे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल, तो कितना है 400 कैलोरी, तो कितना आएगा दोस्तों, वर्क डन इज, कैलकुलेटर मार लेना छुट्टा, तो आएगा 1672 जूल, ये आ गया वर्क डन, सिंपल है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले एक बार, चल ओके बच्चों, लास्ट 3 क्वेश्चन है दोस्तों, साथ में ले लिए, लास्ट 3 क्वेश्चन है, मजे कर तू, चला जा, है ना, तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं दोस्तों, देखो तो करा 2017 2005 दोस्तों, मैंने जो बीच में
कुछ क्वेश्चंस में लिखा नहीं है ऐसा, नीट के भी क्वेश्चंस थे दोस्तों, है ना, एररलेस में मैक्सिमम नीट के क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है चला जा, स्टार्ट करें। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, कहीं पे नहीं था, छुपा बैठा था कोने में, कहीं पे ढूंढ निकाला मैंने इसको। द वेट ऑफ अ पर्सन इज 60 किलो, इफ ही गेट्स 10^5 कैलोरी हीट थ्रू अ फूड। सर क्या बात कर रहे हो सर, पर्सन का हम तो ऐसा ही करेंगे भाई, मास है 60 kg और उसके पास कैलोरी कितना इकट्ठा हो गया है खा के फूड में से। ठूस मत, मोटा हो जाएगा। चल, हीट थ्रू अ फूड, ठीक है, तो अच्छी बात है सर, इतना हीट है इसके पास, इतना एनर्जी है उसके पास, Q=10^5 कैलोरी, अच्छी बात है, गुड, वेरी नाइस। लेकिन दोस्तों उसका एफिशिएंसी 28% ही है, एफिशिएंसी 28% ही है दोस्तों, तो क्या करें बोलो, एफिशिएंसी 28% है तो उसका करना क्या है, तू मुझे बता दे, मैं वो कर लूँ। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन 28% ही है ना वो देख लूँ, लफड़ा नहीं हो जाए, लोचा नहीं हो जाए। ठीक है, चल बराबर है, क्वेश्चन बराबर है मेरा, क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है, ये रहा, यस ओके, डन है, चला जा। तो एफिशिएंसी 28% है, भले उसने 10^5 कैलोरी लिया हो, लेकिन वो यूज कितना कर रहा है, 10^5 × 28%, 10^5 का मतलब ये, परसेंटेज का मतलब नीचे 100, झुपाक, मतलब कि उसके पास कितना हीट वो यूज़ कर रहा है, इतना। ठीक है, 28,000 कैलोरी हीट उसका यूज़ होने वाला है, किसमें क्या काम करने वाला है, मेरी तरह पढ़ाने वाला है ना, मेरी तरह पढ़ाने वाला है, तो देख लो क्या कर रहा है भाई। अब देख, कोरोना है, नवरा बैठा है, क्या कर रहा है, देख उसको, देख। देन अब सर अलग से क्वेश्चन आया सर, देन अप टू हाउ मच हाइट ही कैन क्लाइंब, कहाँ जा रहा है रे कोरोना में चढ़ने, शांति रखना भाई, कहाँ क्लाइंब करेगा, घर पे बैठ शांति से। ठीक है दोस्तों, इतना एनर्जी है उसके पास और वो क्लाइंब कर रहा है किसी चीज में, पहाड़ पे क्लाइंब कर रहा होगा, तो दोस्तों बोल रहा है कितनी हाइट तक जा पाएगा, सर कितनी हाइट तक जा पाएगा, क्या बात है सर, क्लाइंब कर रहा है मतलब उसका एच हाइट पे एनर्जी कितना होगा, उसके पास कितना होगा एनर्जी, mgh सर आपको याद है, हाइट पे जैसे जैसे जाएंगे तो मास तो है पर्सन का, जी भी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जितनी हाइट पे जाएगा तो उसके पास जो क्यू है वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, mgh में दोस्त। सो फाइनली Q=mgh, क्यू है 28,000। अब जो आंसर वो ला देना, हाइट मैंने आपको बोल दिया mg, बोलो कहीं लोचा है आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसे लग रहे हैं वो जरूर से लिखना। अच्छा, इसके साथ जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में एप्लीकेशन में जुड़े हैं उन बच्चों को डेली दोस्तों एक एक लेक्चर जैसे जैसे रिलीज करूंगा ना वैसे वैसे उसके साथ प्रैक्टिस पेपर में सेंड करता ही रहूंगा दोस्तों। तो ये तो क्वेश्चंस आए सर, इसके बाहर का क्या होगा, तो भी वो दोस्तों और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए तो दूंगा मैं आपको। ठीक है चलो आ जाओ, ठीक है चलो। mgh इसके एरिया में नहीं आना, इधर लिख, चल भाई, ठीक है क्लियर है, चलो आ जाओ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पढ़ फटाफट, JEE Main 2017। अ कॉपर बॉल ऑफ मास, मोस्ट आईएमपी दोस्तों, हर बार ऐसा कॉपर वाला और मिक्सर वाला क्वेश्चन पूछते दोस्तों, हमने कितने सारे क्वेश्चन चलाए, क्यों चलाए, आपकी प्रैक्टिस हो इसलिए दोस्तों। चलो, अ कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज ए टेम्परेचर टी, कॉपर बॉल है भाई, हाँ कितना है भाई, मास 100 ग्राम, कॉपर का सी तो मुझे पता है 0.1 कैलोरी पर ग्राम, टेम्परेचर कितना है उसका, टी टेम्परेचर, अच्छी बात है सर। अब इसको कहाँ डाल रहे हैं देखो तो जरा, ये कैलोरी मीटर है, वही क्वेश्चन आने वाला है दोस्त, मैं नहीं पढ़ा फिर भी मुझे पता है, कैलोरी मीटर देखो, अ कॉपर बॉल ऑफ दिस मास दिस सी एंड दिस टी इज इट इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरी मीटर, है कि नहीं बोल दोस्त, इन अ कॉपर कैलोरी मीटर, कॉपर कैलोरी मीटर में मैं डालने वाला हूँ इसको, कॉपर बॉल को,
जुपाक, ठीक है। और कैलोरीमीटर भी काई का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है दोस्तों। कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम, ओहो हो सर, कैलोरीमीटर का भी खुद का मास आया, कैलोरीमीटर उसका मास कितना है 100 ग्राम, ठीक है। इस फिल्ड विद दी, ये कैलोरीमीटर जो कॉपर का बना हुआ है तो ऑब्वियसली उसका सी भी कितना होगा, ये कॉपर बॉल के सी जितना ही होगा, ठीक है सर। इट इज फिल्ड, ये कैलोरी मीटर ऑलरेडी फिल्ड है विथ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, इट इज ऑलरेडी फिल्ड विद द वाटर वाटर ऑफ मास 170 ग्राम। सी वाटर का हम जानते हैं 1 कैलोरी, और कितने टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है दोस्तों 20-30, तो रूम टेम्परेचर पे दोस्तों वाटर अंदर डाला हुआ है, तो वह वेसल जो कैलोरी मीटर है, जो वेसल है, वो भी अपना टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जितना कर लेगा, ठीक है, बोल हाँ या ना, क्लियर है सर। मिक्सर का थीटा लिख, टी लिखो भाई, मिक्सर का टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा दोस्त, टेंशन नहीं लेना। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि पहले से कैलोरी मीटर था, उसके अंदर वाटर था, वो दोनों बेचारे अपना अपना सुखी संसार जी रहे थे, आया कॉपर जा, तो कॉपर ने अपना जो टेम्परेचर है, दोनों बेचारे रूम टेम्परेचर पे, देखो कॉपर ने अपना टेम्परेचर दोनों को दिया स्वाहा, तो दोस्त क्या बोलता है, तो क्या बोलता है, ये क्वेश्चन को साइड में रख, हीट लॉस बाय कॉपर बॉल इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय बोथ कैलोरी मीटर एंड वाटर, बोल हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है, चलो जाओ दोस्तों। तो हीट लॉस बाय कॉपर बॉल MC delta T, हीट गेन बाय MC delta T। अब वैल्यूज रखनी है दोस्तों, वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा, देखो कैसे। कॉपर बॉल का मास कितना 100, सी कितना 0.1, टेम्परेचर कितना, डेल्टा टी कितना, सॉरी डेल्टा टी कितना बोलो, मेरा इसका टी टेम्परेचर ऑलरेडी था सर, कैलोरी कॉपर बॉल का टेम्परेचर टी ऑलरेडी था, उसमें से 75 हो गया, ऑब्वियसली ये कॉपर बॉल तो उनको दे रहा है टेम्परेचर, है ना। अच्छा कैसे पता चले सर ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, भाई दोनों कोल्ड ही तो है, रूम टेम्परेचर पर तो बैठे हुए हैं यार, है ना, नॉर्मल बेचारे गरबा खेल रहे हैं दोनों जने, हाँ। तो कॉपर बॉल डाला मैंने, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो T-75, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये एम है कैलोरी का एम कितना है 100, सी कितना है 0.1, टेम्परेचर में चेंज कितना है इसका, सर इसका 30 है और 75 हो रहा है, तो 45 लिख दूँ, बोल ईमानदारी से बोल, यस सर। चलो इसका एम कितना है 170, सी कितना है 1, इसका डेल्टा टी कितना आएगा 45 ही आएगा, हाँ इसका भी 30 है और 75 हो रहा है, तो देख दोस्त तू देख खाली ये पॉइंट हटा, जूम 10T-75 45, ये देख ये मिंडा गया, तो 10 × 45 प्लस 170 × 45, ठीक है, जो आंसर आया दोस्तों लिख देना, टी का आंसर आ रहा है, और ईमानदारी से देखना टी का आंसर आ रहा है कुछ 885 डिग्री सेल्सियस, 885 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, हाउ इज दैट, क्लियर है, बोल, बड़े मज़े की बातें करूँगा, टेंशन नहीं लेना, बड़े मज़े की बातें करूँगा, ठीक है, बोल, क्लियर हो रही है बातें, एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर लास्ट वाला सम लेता हूँ। समझ में आ रहा है कि दोस्त अकेला ऐसे ही जा रहा है सब कुछ, तो कमेंट बॉक्स में लिख, मुझे पता चले थोड़ा जोश आए मुझ में कि आप भाई आपको समझ में आ रहा है, तो थॉट क्लियर हो रही है, सम्स ज़्यादा लेने से कुछ नहीं होता है, थॉट भी साथ में क्लियर होनी चाहिए दोस्त, क्लियर हो रही है ना, ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले। ओके दोस्तों, ओके चलो आ जाओ, फाइनली एक क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट, चलो रफ हो गया सब, चलो। वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इन अ कंटेनर में 2 लीटर वाटर है, वाटर का वॉल्यूम है 2 लीटर, दोस्तों वॉल्यूम है 2 लीटर मैं नहीं समझाऊंगा बार बार, मास 2 kg होगा, कैसे वो तो अपने आप फाइंड कर, वाटर का डेंसिटी नहीं पता है तुझे, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास आ जाएगा, देख ले अपने आप से कर ले, चला जा। इज हीटेड विथ अ कॉइल ऑफ 1 kW, इसको गर्म कर रहे हैं सर, हम इसको गर्म कर रहे हैं,
अंदर ऐसा है कुछ कॉइल होगा उससे, ठीक है। ओके, आराम से इसको हीट करना है, मतलब अपने लिए कोल्ड बॉडी है। हाँ, और जो अंदर कॉइल का एंट्री आए तूने मारी एंट्री है वो दोस्तों हॉट बॉडी होगा। तो क्या होगा, कॉइल है उसका पावर 1 किलोवाट है। पावर वाला सब मैं चला चुका हूँ, ड्रिल मशीन वाला क्वेश्चन, यस सर। चलो, पावर 1 किलोवाट है। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, हाँ टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अभी राइट नाउ टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर का सी हमको पता है 4.2 जूल पर किलोग्राम ऐसा कुछ, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, 4.2 × 10³ जूल पर किलोग्राम इंटू सेल्सियस, ओके। चलो, कॉइल ऑफ 1 किलोवाट, उससे उसको गर्म किया जा रहा है वाटर को, ठीक है। ओहो, द लीड ऑफ द कंटेनर इज ओपन। भाई एक्चुअली में कैलोरी मीटर में हमारा क्या बात हुआ था, आपको याद हो तो, जो ऊपर का लीड होता है वो बंद होता है, ठीक है, कैलोरी मीटर में। लेकिन अब की बार बोला है उन्होंने कि ये ओपन है, इट इज ओपन। ओहो, कॉइल से गर्म कर रहा हूँ पानी को, तो हमारी क्या बात हुई थी हर बार कि हीट लॉस बाय दी कॉइल इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय दी वाटर। अब की बार लोचा हो गया सर, अब की बार लोचा हो गया, ये हीट जितना लॉस कर रहा है, भाई पावर दिया है तो आप हीट लाने में क्यों घबरा रहे हो, पीटी बात हो चुकी है अपनी, तो ये रहा 1000 टी। चलो, इसके पास 1000 टी है, टी पता नहीं है टाइमिंग क्या है, ठीक है। कॉइल के पास 1000 टी जितना हीट है, यदि वो कंटेनर खुला नहीं होता तो ये 1000 टी जितना हीट का हकदार कौन था, वाटर, वाटर को मिल जाता सारा हीट। लेकिन अब की बार लोचा मैं मारूंगा ही भाई, थोड़ा तो क्वेश्चन हार्ड बनाऊं कि नहीं। चल, 2005 JEE का है। अब दोस्तों ये कॉइल पूरा का पूरा हीट लॉस करके इसको देना चाहती थी, लेकिन इस कॉइल में से कुछ हीट वाटर को मिला और कुछ हीट बाहर चला गया। तो मैं लिखूंगा दोस्तों, लिखूंगा बहुत दुख के साथ लिखूंगा, हीट डिसिपेटेड। हाँ, ओपन बोला है कंटेनर में, पड़े बिना बोल दूं दोस्तों, इन एटमोस्फियर। हाँ, कंटेनर ओपन है मतलब हीट बाहर जाना ही जाना है। इज ओपन, द लीड ऑफ द कंटेनर इज ओपन एंड एनर्जी डिसिपेट्स एट द रेट ऑफ 160 जूल पर सेकेंड। भाई जूल पर सेकेंड का मतलब क्या यार, जूल पर सेकेंड का मतलब क्या, व्हाट मतलब, ये उसका भी पावर दे दिया है, पावर दे दिया है तो आप जानते हो इसका भी क्यू कितना होगा, पावर इंटू टी मतलब 160 टी। ओ हो सर, मतलब ये कॉइल वाटर को 1000 टी देना चाह रही थी, ये कॉइल वाटर को 1000 टी देना चाह रही थी, भैया तू एस कर, पन लीड खुला रह गया गलती से तो वो बाहर चली गई। क्या, कितनी हीट, 160 टी जितनी हीट बाहर चली गई दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्त, क्या लगता है अब हीट, मैं ऐसा लिखूं दोस्तों, हीट लॉस बाय, ऊपर लिखता हूं थोड़ा, बहुत मजे से समझा रहा हूं, आराम से ईमानदारी से समझना, बहुत मजा आएगी, ठीक है। इतना हीट लॉस हो रहा है उससे, इन हाउ मच टाइम टेम्परेचर विल राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। और अब बाप रे सर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितने टाइम में टेम्परेचर विल राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। अरे अरे अरे, लोचो हो गया भैया, लोचा हो गया, लोचा हो गया। पानी का टेम्परेचर कितने टाइम में, इनिशियली जब डाला था, इनिशियली जब कॉइल को अंदर डाला था 20 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, ठीक है। पानी का टेम्परेचर कितने टाइम में 27 से 77 हो जाएगा, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, Q ऑफ कॉइल माइनस Q लॉस इन एटमोस्फियर, ये जितना बचेगा Q, 1000 टी माइनस 160 टी मतलब 840 टी, इतना हीट सर उसको मिलेगा वाटर को, वार्ता पूरी सर, 1000 टी जितना पूरा नहीं मिलेगा वाटर को क्योंकि 160 लॉस हो गया। तो हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर,
वाटर का हीट गेन कितना होगा एम सी डेल्टा टी, वाटर का मास कितना है 2, सी कितना है 4.2 × 10³, डेल्टा टी कितना है 50 है। दोस्तों आराम से करेंगे, मजा आएगी आपको। ये इतना, ये दोस्तों मान लीजिए मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 10 से ये 10 गया, ये 84 हो रहा है इंटू 5 हो रहा है और ये 1000 हो रहा है। ये टी इज इक्वल्स टू 84 5 जुब 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 840, कहीं गलती नहीं हो रही है दोस्तों, देख लेना एक बार, ये मिंडी मिंडी गई 84 गया, 500 सेकंड हो रहा है। 500 सेकंड को ऐसा लिख सकता हूँ 480 सेकंड प्लस 20 सेकंड, हाँ सर लिख सकते हो सर 480 प्लस 20, क्यों किया मालूम है आपको, हाँ 6 × 8 = 48 तो मिनट एंड 20 सेकंड, कितना टाइमिंग आएगा 8 मिनट एंड 20 सेकंड। दोस्तों तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए था जब ये क्वेश्चन पूछा तब, ऑप्शन ए था। हाउ इज दैट दोस्तों, समझ में आया पूरा थॉट, प्लीज़ बोलना यार। स्टार्टिंग में वाटर का वॉल्यूम 2 लीटर है, तब 20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने कॉइल अंदर डाला जो उसको गर्म कर रहा है, तो पानी का टेम्परेचर 27 से 77 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर इतना हो गया, सी तो पता है आपको। तो दोस्तों कॉइल ने कितना हीट दिया होगा, सर ऑब्वियसली सर कॉइल ने दिया 1000 T, ठीक है, लेकिन लफड़ा कहाँ हुआ, लोचा कहाँ हुआ बता मुझे। हाँ सर एटमोसफेयर में लॉस हो गया ना, तो देना चाहता था 1000 लेकिन -160, 840 T ही दे पाएगा वाटर को, ठीक है बोल। हाउ इज दैट क्लियर है दोस्तों, ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ यार, प्लीज़ वीडियो में जरूर से कमेंट बॉक्स में कुछ लिखो यार, तो जोश बढ़े, लेक्चर रखूँ ना चालू ऐसा, ठीक है चल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और बस आराध्य का एप्लीकेशन है डाउनलोड कर ले और गजब लेवल का मजा आएगा, उसमें मॉक टेस्ट वोक टेस्ट सब कुछ चल रहा है दोस्तों, बच्चों को डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिल रहा है, मजे कर दूँ, चल बाय।